हे गाइस, गुड मॉर्निंग। इस बार मैंने कुछ अलग ट्राई किया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये इयररिंग्स हैं और ये मैंने क्ले की हेल्प से बनाया है। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। ये एयर ड्राई क्ले है। एयर ड्राई क्ले आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। कुछ एक्रेलिक कलर्स हैं एंड ये इयररिंग हुक्स हैं। ये मैंने एक जार लिया है यहाँ पे। आप कभी भी क्ले के साथ काम करो, लेट इट बी एनी क्ले, तो आप एक एयर टाइट कंटेनर रखो अपने साथ, ताकि आप इमिडिएटली उसको क्ले को उसमें स्टोर कर सको। क्योंकि क्या होता है, ये हवा के कांटेक्ट में आने से बहुत जल्दी सूखने लग जाता है। तो हमें जितने क्ले का रिक्वायरमेंट होगा हम उतना रखेंगे, बाकी हम कंटेनर में डाल देंगे। मुझे रेड कलर के इयररिंग्स बनाने हैं, तो मैं रेड कलर का क्ले तैयार कर रही हूँ। गाइज, ये बहुत सिंपल है। आपको जिस भी कलर का क्ले चाहिए, सिंपली वो एक्रेलिक कलर लेके थोड़ा क्ले में डाल के मिक्स कर देना है। दैट सेट। क्ले पे काम करने से पहले आप थोड़ा हाथ ग्रीस कर लेना विद एनी ऑयल और लोशन, और जिस सरफेस पे आप क्ले को रोल करोगे या कुछ भी करोगे रिलेटेड टू इट, उस पे आप थोड़ा पाउडर स्प्रिंकल कर लेना। इससे आपका क्ले चिपकेगा नहीं। मैं जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ इस प्रोजेक्ट में गाइज, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप चाहो तो वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। एवरीथिंग, द एयर ड्राई क्ले, द इयररिंग हुक्स, द एक्रेलिक पेंट्स, एवरीथिंग। होल करने के लिए मैं एक छोटा सा तिनका यूज़ कर रही हूँ। ये अगरबत्ती का तिनका है। अगर आपके पास नीडल हो तो आप नीडल भी यूज़ कर सकते हो। कुछ भी ऐसा जो बहुत मोटा नहीं हो, बारीक सा हो और पॉइंटेड हो। जब हम हार्ट के लूप्स बनाएंगे, तो पहले आप तीन लेयर से बनाना, उसके बाद आखिरी में हम चौथा वाला लेयर ऊपर से सेट करेंगे। क्योंकि क्या हो रहा है, अगर हम चारों लेयर को साथ में लेके कर्व बना रहे हैं, तो जो हमारा लास्ट वाला लेयर है उसमें थोड़े क्रैक्स आ जा रहे हैं। जब आपका इयररिंग रेडी हो जाए, तो लास्ट में एक वार्निश की कोटिंग कर देना। इससे आपका इयररिंग थोड़ा शाइन भी आ जाएगा और वाटरप्रूफ भी हो जाएगा। हालांकि वाटरप्रूफ क्ले भी है, बट स्टिल वार्निश से एक अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। नेक्स्ट, जो मैं इयररिंग बना रही हूँ, उसके लिए हमें कुछ ऐसे ढक्कनों की ज़रूरत होगी जो हमारे घर में आसानी से अवेलेबल होता है, डिफरेंट साइजेस की।
ये जो हम कटर्स यूज़ कर रहे हैं ये एक्चुअली कोई प्रोफेशनल टूल नहीं है, तो इससे क्या हो रहा है कट करने से हमारे रफ एजेस रह जा रहे हैं, तो उसको आप फिंगर की हेल्प से हल्का हल्का इनवर्ड स्टैप करके स्मूथ कर लेना। जो हमारी नेक्स्ट ईयरिंग है वो एक्चुअली मेरे क्ले लेफ्ट ओवर से है, मैं कुछ भी फेंकना नहीं चाह रही थी। और ये मेरा कोस्टर कंटेनर है। आपके पास कुछ भी ऐसा बर्तन हो या कुछ बास्केट हो जिस पे थोड़े डिज़ाइंस बने हैं और वो आप अपने क्ले पे उसको उसको ला सकते हो, उभार सकते हो, आप वैसा कुछ यूज़ कर लेना, कोई भी टेक्स्चर, इट विल लुक गुड हियर। आप चाहो तो ये इयररिंग ऐसे ही यूज़ करो या इस पे पोलका डॉट्स बना लो लाइक द वे आई एम डूइंग इट, या फिर कुछ और डिज़ाइंस बना लो। सो दिस इज़ माई लास्ट ईयरिंग गाइज, ये मैं एक सिलिकॉन मोल्ड की हेल्प से बना रही हूँ। इस पर बहुत अच्छे डिज़ाइंस बने हैं, आप क्ले की हेल्प से कुछ भी निकाल सकते हो इसमें से। यू सिंपली हैव टू पुट द स्मॉल चंक्स ऑफ क्ले इन द डिज़ाइन एंड टेक इट आउट एंड हियर इट इज़, योर ईयरिंग इज़ रेडी। गाइज दिस क्ले इट इज़ एक्सट्रीमली लाइट वेट। अगर मैं एक ईयरिंग की बात करूं तो मेरा एक ईयरिंग इट विल नॉट बी इवन 1 ग्राम। एक्चुअली व्हेन आई मेड इट एंड आई शोड इट टू माय बेस्ट फ्रेंड, हर फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि लाइक ये हैवी नहीं होगा, विल बी वी बी एबल टू कैरी इट फ्रीली। देन आंसर टू दैट टू ऑल ऑफ यू इज गाइज, ये बहुत बहुत लाइट वेट है, आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हो, ये आपके ईयर्स पे कोई प्रेशर नहीं डालेगा, नॉट एट ऑल। So here it is guys, all our projects are ready and here is the final look. So try out these and make your own earrings at home. Thank you for watching guys, bye, take care.